एथिकल हैकिंग फ्री में सीखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और नए वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए क्लिक कीजिए बेल आइकन पर। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वेबसाइट इन्फॉर्मेशन गैदरिंग और वल्नरेबिलिटी स्कैनर टूल रेडहॉक के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनिल और आप देख रहे हैं टेकचिप यूट्यूब चैनल। रेडहॉक एक PHP बेस्ड ऑल इन वन इन्फॉर्मेशन गैदरिंग और वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग टूल है। इस टूल के द्वारा किसी वेबसाइट के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जा सकती है। ये टूल वर्डप्रेस, जूमला, ड्रुपल, मैग्नेटो CMS को सपोर्ट करता है। ये टूल बिगिनर्स जो कि एथिकल हैकिंग में शुरुआत कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। अलग अलग टूल को यूज़ करने के बजाय एक ही टूल से वेबसाइट की काफ़ी इन्फॉर्मेशन देखी जा सकती है। तो चलिए देखते हैं कि इस टूल को कार्ल लिनक्स के अंदर कैसे इंस्टॉल करते हैं और इसका कैसे यूज़ लेते हैं। तो इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले अपने ब्राउज़र पर यह लिंक ओपन कर लीजिए। यह लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ जाकर इसको देख सकते हैं। उसके बाद आप इस टूल को यहाँ से इसकी जिप फाइल के द्वारा या इसके गिट क्लोन URL के द्वारा अपने सिस्टम पर क्लोन कर सकते हैं। तो मैंने इसका गिट क्लोन URL कॉपी कर लिया। उसके बाद हम ओपन करेंगे अपना टर्मिनल और आप जहाँ भी इस टूल को क्लोन करना चाहते हैं उस फोल्डर में आ जाइए। मैं इसको अपने डेस्कटॉप पर ही क्लोन कर लेता हूँ। तो मैं टाइप किया CD डेस्कटॉप। उसके बाद हम कमांड लगाएंगे गिट क्लोन और जो हमने URL कॉपी किया था उसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, एंटर प्रेस करेंगे। उसके बाद ये टूल हमारे डेस्कटॉप पर क्लोन हो जाएगा। ये देखिए ये टूल डाउनलोड हो चुका है। मैं इस फोल्डर में आ जाता हूँ। तो यहाँ पर आपको उसकी PHP की स्क्रिप्ट मिल जाएगी, आप इस स्क्रिप्ट को रन करा सकते हैं। तो मैं इसको रन कराता हूँ। रन कराने से पहले मैं इसको कर देता हूँ क्लियर। तो स्क्रिप्ट को रन करने के लिए हम कमांड लगाएंगे PHP, स्क्रिप्ट का नाम RHawk.php। ये देखिए यहाँ पर स्क्रिप्ट रन हो जाएगी। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर वेबसाइट का डोमेन नेम टाइप करना होगा। जिस भी वेबसाइट को आप स्कैन करना चाहते हैं उसका डोमेन नेम यहाँ पर टाइप कर दीजिए। तो यहाँ पर मैं अपनी ही वेबसाइट को स्कैन कर लेता हूँ। मैंने टाइप किया TechChip.net। उसके बाद आपको यहाँ पर चूज़ करना है कि आप कौन सा मेथड यूज़ करना चाहते हैं, HTTP या HTTPS। HTTP के लिए 1 और HTTPS के लिए 2। तो यहाँ पर मैंने 2 टाइप किया। उसके बाद यहाँ पर स्कैनिंग के ऑप्शन की लिस्ट आ जाएगी। ये देखिए यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन दे रखे हैं। सबसे पहले है 0 बेसिक रिकॉन के लिए। आप यहां से साइट का टाइटल, उसका IP एड्रेस, कौन सा CMS वहां पर यूज़ हो रहा है, क्लाउड फेयर का यूज़ हो रहा है या नहीं, रोबो टेक्स्ट, उसके अलावा यहां से हु इज़ लुकअप, GeoIP लुकअप, ग्रैब बैनर्स, DNS लुकअप, सबनेट कैलकुलेटर, NMAP पोर्ट स्कैन, सब डोमेन स्कैनर, CMS डिटेक्शन, SQLi स्कैनर, वर्डप्रेस स्कैनर, क्रॉलर, MX लुकअप जैसी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से देख सकते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ उसका कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बेसिक स्कैनिंग स्टार्ट करते हैं। तो मैंने टाइप किया 0। ये देखिए यहाँ पर स्कैनिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो यहाँ पर डोमेन के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन आना स्टार्ट हो जाएगी, जैसे साइट का टाइटल। ये देखिए यहाँ पर टाइटल आ चुका है। वेबसाइट की IP, कौन से सर्वर पर वो रन हो रही है, कौन सा CMS वहाँ पर यूज़ हो रहा है, क्लाउड फेयर का यूज़ हो रहा है या नहीं। यहाँ पर रोबो टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन भी आ चुकी है कि क्या अलाउ है, क्या डिसअलाउ है। तो इस तरह की काफ़ी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद देखते हैं इसकी हम हु इज़ लुकअप इन्फॉर्मेशन। इसके लिए हम टाइप करेंगे 1। तो उसके द्वारा आप यहाँ से डोमेन की इन्फॉर्मेशन जान सकते हैं कि डोमेन कहाँ से रजिस्टर किया हुआ है, कौन से सर्वर पर वो डोमेन रन हो रहा है, किसके नाम से वो रजिस्टर है। ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से देखी जा सकती है। तो मैंने यहाँ पर अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन हाइड की हुई है, तो इस वजह से यहाँ पर अलग इन्फॉर्मेशन आ रही है। ये तो आप यहाँ से किसके नाम से वो रजिस्टर है, उसका फ़ोन नंबर, उसकी email ID सब यहाँ से जान सकते हैं। यदि आपको वेबसाइट की सर्वर की लोकेशन जाननी है तो टाइप कीजिए 2। उसके बाद यहाँ पर वेबसाइट की सर्वर की लोकेशन आ जाएगी, उसका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। ये देखिए यहाँ से आप जान सकते हैं कि वेबसाइट का सर्वर कहाँ पर लोकेट है। यदि आप उसका बैनर ग्रैब करना चाहते हैं तो टाइप कीजिए 3। तो जो वेबसाइट का बैनर है वो यहाँ पर शो हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर बैनर इन्फॉर्मेशन शो हो जाएगी, कौन सा PHP का वर्जन है, कौन सा सर्वर है, इस तरह की इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से देख सकते हैं। यदि आप जानना चाहते हैं DNS लुकअप इन्फॉर्मेशन तो टाइप कीजिए 4। तो यहाँ पर वेबसाइट की DNS लुकअप इन्फॉर्मेशन ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर इस तरह के काफ़ी सारे ऑप्शन दे रखे हैं जिनके द्वारा वेबसाइट की अलग अलग इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। सब डोमेन स्कैनर, NMAP पोर्ट स्कैनर, काफ़ी सारे यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं। जैसे कि मान लीजिए आप यहाँ पर स्टार्ट करना चाहते हैं SQLi स्कैनर SQL वल्नरेबिलिटी के लिए, तो टाइप कीजिए 9। तो यहाँ पर SQL वल्नरेबिलिटी स्कैनर स्टार्ट हो जाएगा। आप यहाँ से जान सकते हैं कि वेबसाइट के अंदर कोई SQL की वल्नरेबिलिटी है या नहीं। यदि आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस पर रन हो रही है तो आप यहाँ से वर्डप्रेस स्कैनर भी स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए टाइप कीजिए 11। उसके बाद यहाँ पर वर्डप्रेस स्कैनर स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर बेसिक चेक स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर वेबसाइट की रीडमी फाइल, लाइसेंस फाइल फाउंड हो चुकी है। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से देख सकते हैं। आप यहाँ पर क्रॉलर्स का भी यूज़ ले सकते हैं, इसके द्वारा वेबसाइट का एडमिन पैनल फाइंड कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर 817 URL लोड हुए हैं, तो इन URLs को एक एक करके चेक करेगा और जैसे ही वहाँ पर आपको एडमिन पैनल मिल जाएगा तो वहाँ पर आपको उसका HTTP रिस्पॉन्स शो हो जाएगा।
तो इस प्रोसेस में टाइम लग सकता है। मैं इसको टर्मिनेट कर देता हूँ। यदि आपको देखनी है MX lookup information तो टाइप कीजिए 13। तो यहाँ पर वेबसाइट का MX lookup सर्वर की IP शो हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पर MX lookup information आ चुकी है, सर्वर कौन सा है, उस होस्ट का नाम क्या है। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से देख सकते हैं। यदि आपको सारी स्कैनिंग एक साथ करनी है तो टाइप कीजिए A। यदि टूल में कोई एरर आता है, कोई मॉड्यूल मिसिंग है तो टाइप कीजिए F। जैसे कि मान लीजिए क्लाउड फेयर डिटेक्शन के बाद यदि टूल बंद हो रहा है तो आप इस ऑप्शन के द्वारा इस टूल के लिए जरूरी मिसिंग पैकेजेस को इंस्टॉल कर सकते हैं। जो भी पैकेजेस मिसिंग होंगे वो इस ऑप्शन के द्वारा इंस्टॉल हो जाएंगे। ये देखिए यहाँ पर जो भी पैकेजेस मिसिंग हैं वो इंस्टॉल हो रहे हैं। इसके बाद वो इशू फिक्स हो जाएंगे तो ये ऑटोमेटिक टूल को रिपेयर कर देगा। यू इस टूल को अपडेट करने के लिए, बी किसी दूसरी वेबसाइट को स्कैन करने के लिए, और क्यू यहाँ से बाहर निकलने के लिए। तो यहाँ पर आप इस तरह से RedHawk टूल का यूज़ ले सकते हैं। इसके द्वारा वेबसाइट के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये टूल जो बिगनर्स हैं, जो कि बग बाउंटी या एथिकल हैकिंग में शुरुआत कर रहे हैं, तो ये बेसिक टूल आपकी काफ़ी हेल्प कर सकता है। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही था। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, कुछ नई जानकारी आपको यहाँ पर मिली होगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इसी तरह के ज्ञानवर्धक और विश्वसनीय वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन के साथ, क्योंकि दोस्तों आपको यहाँ पर एथिकल हैकिंग के बारे में, वाइट हैट हैकिंग की टेक्निक्स और साइबर सिक्योरिटी से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहती हैं, वो भी हिंदी में। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलेंगे हम अगले वीडियो में। देखते रहिए टेक चिप। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।